हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे क्योंकि ये आम आवाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस स्टोरी के जरिए हम आपको बताएंगे कि कैसे एक श्रीनगर पुलिस के एक होनहार पुलिस ऑफिसर जोनेश वर्मा, जो SHO जुकुरा का अहदा संभाले हुए है, चार दिनों के अंदर कैसे उन्होंने एक चोरों को गैंग का पर्दाफाश किया। दरअसल कहानी कुछ इस तरीके की है कि चार दिन पहले पुलिस स्टेशन जुकुरा को एक मकान मालिक के जो रहने वाला फैजुल्लाह कॉलोनी का है, उनसे कंप्लेंट मिलती है कि वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ कहीं पे शादी पे गए थे और जब वो वहां पे वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके घर में चोरी हुई और उसके बाद उन्होंने कंप्लेंट पुलिस को दी और कंप्लेंट मिलने के बाद पुलिस स्टेशन जुकुरा में इसके खिलाफ FIR नंबर 31/2023 अंडर सेक्शन 351-457 IPC के तहत रजिस्टर्ड किया गया। और जब पुलिस इसमें तहकीकात शुरू की, SHO जुकुरा जोनेश वर्मा अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे जहां ये चोरी हुई थी और तहकीकात शुरू की। और तहकीकात के दौरान उन्होंने बहुत सारी टेक्निकल एविडेंसेस पे काम किया और पुलिस के मुताबिक सबसे ज्यादा कारकर्दगी या सबसे ज्यादा मददगार CCTV फुटेज रही। और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को यह पता चला कि इनके घर में एक काम करने वाला, या ऐसा कहिए कि एक डोमेस्टिक हेल्पर जिसका नाम अरबाज खान है, वो इनके घर में काम करता था। और जब पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया, शुरुआत में तो कुछ कहा नहीं, लेकिन उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन चली, तहकीकात चली, तो उस अरबाज खान ने खुद ये एक्सेप्ट किया कि उसने तब इनके घर में चोरी की जब वो इस अपने रिश्तेदारों के यहां शादी पे गए थे। और चोरी करने के बाद जो कुछ सोना और पैसा निकाला था वो उसने दूसरे शख्स, दूसरे चोर फारूक हुसैन, जो इन्हीं के जमीन में रहता था जिनके घर में चोरी हुई, उसके हाथ में देकर उन दोनों ने उन पैसों और उस सोने की चीजों को दबा लिया। और इसमें तहकीकात के दौरान चार दिन पहले ही 24 घंटों से भी कम वक्त के अंदर पुलिस ने इस केस को क्रैक किया और दो, फारूक हुसैन खटाना और अरबाज खान को सलाखों के पीछे डाल दिया। लेकिन उसके बाद लगातार इस केस में इन्वेस्टिगेशन जारी रही और आज चार दिनों के बाद पुलिस स्टेशन जुकुरा जोनेश वर्मा की सरबराही में आज दो और चोरों का पर्दाफाश हुआ, जिसमें एक का नाम गुलजार अहमद लोन, जो रहने वाला कंगन गांधरबल का है, और दूसरा बबलू दारा, जो रहने वाला असल में कोलकाता का है, और उनसे 2,14,000 रुपए आज रिकवर किए। तो इस तरीके से इस श्रीनगर पुलिस के होनहार पुलिस ऑफिसर SHO जुकुरा जोनेश वर्मा ने इस चोरी के केस को चार दिनों के अंदर क्रैक करके चार चोरों को सलाखों के पीछे डाल दिया। और इस जमीन में पुलिस ने आम आवाम से गुजारिश की है कि अगर आप अपने घर के अंदर किसी भी काम करने वाले शख्स को रखते हैं तो आपके लिए लाजमी है कि आप उसकी पूरी खबर और पूरी पहले वेरिफिकेशन करें ताकि आने वाले समय के अंदर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो। वाजह रहे, इसमें अरबाज खान जो है वो इन्हीं के घर में काम करता था और कुल मिला के चार चोरों की गैंग, जिसमें अगर देखा जाए फारूक खताना जो रहने वाले काला कोट के थे, अरबाज खान जो इसी फैजुल्लाह कॉलोनी के थे, गुलजार लोन जो रहने वाले कंगन के थे, और तीसरा चौथा बबलू दारा जो रहने वाले कोलकाता के थे, यानी कि ये पूरे चोरों की गैंग टोली जो है इन्होंने मिलकर इस घर के अंदर ये चोरी की थी। और लेकिन सबसे ज्यादा हाथ जिसका रहा वो इसी अरबाज खान का रहा, जो इनके घर में काम करता था, क्योंकि जब फैमिली वाले अपने रिश्तेदारों के यहां दावत पे गए थे, ये वही शख्स है जिसने उसका फायदा उठाकर इस घर से पैसा और कुछ सोने की चीजें चुरा कर बाकी लोगों के पास, पहले तो फारूक हुसैन के पास और फिर उन्होंने इन लोगों के साथ वो सारी चीजें और वो पैसे बांट ली। इस केस को क्रैक करने के बाद जो फैमिली जिनके घर में चोरी हुई थी उन्होंने श्रीनगर पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए और खसूसी तौर पर इस होनहार SHO जोनेश वर्मा का शुक्रिया अदा करते हुए ये कहा कि हमारे उम्मीद इसी पर थी कि पुलिस हमारी मदद जरूर करेगी और उसी के भीतर चार दिनों में ही इस केस को क्रैक करके चारों चोरों को सलाखों के पीछे डाल दिया और उन्हें मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत पुलिस ने बुक किया है। इसके साथ में हम आपको बताते चले कि जब से IPS राकेश बलवाल ने SSP श्रीनगर का अहदा संभाला है, तब से लेकर आज तक कोई ऐसा क्राइम या कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है जिसे श्रीनगर पुलिस ने 24 घंटों से भी कम वक्त के अंदर क्रैक ना किया हो।